नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन से हमारे को क्या पता चलता है, एक तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पता चल जाता है कि, और दूसरा ट्रेंड कैसे चल रहा है, अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है, उसका भी पता हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ट्रेंड लाइन से आप एंट्री और एग्जिट करते हैं तो उससे टारगेट और स्टॉप लॉस का भी अपने को पता चल जाता है, कितना होता है कितना नहीं होता है। दोस्तों, ट्रेंड लाइन दो तरह का होता है, एक तो अप ट्रेंड में बनता है, एक डाउन ट्रेंड में बनता है। जिसको अप ट्रेंड में बनता है उसको बुलिश बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड में बनता है उसको बेरिश बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपन, और इससे बेनिफिट क्या मिलता है अपने को। दोस्तों, एक तो ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है जो अप ट्रेंड में बनता है, जैसे ये मार्केट गया ऐसे ऐसे करके, ये इसका सपोर्ट लेता रहता है, और जब भी ब्रेक डाउन करता है तो ये ऐसे नीचे आता है। और एक होता है, ये तो अप ट्रेंड हो गया, एक होता है ऐसे डाउन ट्रेंड का, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता रहता है, फिर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, जिधर भी ब्रेक करता है उधर ही अपने को एंट्री लेना है ना। अब इसमें होता क्या दोस्तों, जैसे अप ट्रेंड बन रहा है, सपोज अप ट्रेंड में जा रहा है, ये यहाँ पे लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनता जाता है ऊपर, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। अभी फोर्थ में क्या, या तो ब्रेक डाउन कर देगा या वापस अप ट्रेंड ऐसे भी ऊपर भी बनता रहता है। सपोज ऐसे एक चैनल बनता है तो या तो चैनल के अंदर अंदर ही चलता रहता है। लेकिन अपन तो आज बात करने वाले ट्रेंड लाइन का। तो दोस्तों, ये क्या करता है, एक दो तीन और ये जब चौथा बनता है ना, तो मोस्टली ब्रेक डाउन कर ही देता है ये लगभग मोस्टली। वैसे अपने को अलर्ट हो जाना है इधर ही, अपने को सपोज अभी इस पे इसके हिसाब से अपने को एंट्री करना है, तो यहाँ पे एंट्री करना होगा और यहाँ पे एग्जिट करना होगा, फिर यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, फिर यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल छोटा रहता है दोस्तों, ट्रेंड लाइन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस रहता नहीं है, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रहता है। और इंट्राडे में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे से वर्क करता है। वो आप स्टॉक को देखोगे ना, या चार्ट को, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक किसी का भी चार्ट देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड। सपोज ये देखिए, अब ये हल्का सा ऐसे जा रहा है, ये मैंने अभी बैंक निफ्टी का ओपन करके रखा है, ये तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस एक लो को टच किया, इधर दूसरे लो को टच किया, तो अभी आपको पता चल जाएगा इसका पावर कितना होता है। देखिए, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, ये चौथी बार मैं बोला ना, लगभग मोस्टली चार बार होता तो चार बार ब्रेक डाउन कर देता है। इधर से देखिए कितना अच्छे से काम किया इसने, हैंग नहीं है, आपको ट्रेंड लाइन का इतना पता। देखिए, ये चौथी बार हुआ ना, इधर चौथी बार में ब्रेक डाउन कर दिया और वापस देखिए रिट्रेस करके फिर वापस गया। देखिए बैंक निफ्टी में, ये वीडियो 20 तारीख को बना रहा है, बैंक निफ्टी इतना ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है कि दोस्तों, आपने अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो ट्रेंड लाइन से आप पैसा कमाना चालू कर दोगे। दूसरा, आपको कुछ स्ट्रेटेजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखा ना आप कितना, अभी देखिए इधर इतना रिटेस्ट लेके वापस गिरा, तो आपको यहाँ भी एंट्री करने का मौका दे दिया, और देखिए आज कितना गिरा था, उधर उसका रेसिस्टेंस लेके नीचे गिर गया। अभी ये तो साइडवेज होता है दोस्तों, ऐसा है नहीं तो ऊपर का नहीं डाउन का, ये साइडवेज मार्केट बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अप ट्रेंड वाला कोई होता है ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का दोनों साइड कैसे बनता है करके। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं, 15 मिनट का रखा मैंने। अभी देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, देखिए एक दो ये तीन, तो मतलब ना मोस्टली चार बार में ये नीचे ब्रेक डाउन करने का, या अगर अप ट्रेंड है तो ब्रेकआउट देने का चांसेस हो जाता है चार बार में, और अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का हो जाता है चांस। तो अभी आपने देखा ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, और ये चौथी बार में देखिए, और इसमें भी देखिए कितना अच्छे से काम करता है, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए, ये यहाँ से रिटेस्ट करके फिर देखिए अभी तक नीचे ही है। तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक में ढूंढो या इंडेक्स में ढूंढो,
आप इसमें अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो ना, तो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। डेली 10 से 15% इससे ही से कमा सकते हो आप। ट्रेल लाइन से दूसरे ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, खाली ट्रेल लाइन से ये होता है इसका फर्क। अभी देखिए ये अप ट्रेंड का, मैं डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये भी इधर भी डाउन ट्रेंड बना ना, सपोज यहाँ से लिया मैंने, ये इसके ये फर्स्ट वाला आई, ये सेकंड वाला आई, ये थोड़ा ऊपर ले लिया तो अच्छे से बनता है यहाँ पे रहेगी। तो इधर कितना अच्छे से फॉलो करा है ट्रेंड लाइन को, और इधर से देखिए आप, ये इधर से भी नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए ये है ना, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, ये फोर्थ, फोर्थ में मोस्टली बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर दिया। इधर देखिए अभी ब्रेकआउट कर दिया ना यहाँ पे, आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इधर से आया, ये इधर से थोड़ा लिया, ये लिया इधर लिया, और ये लिया, और ये देखिए चौथी बार हो गया ना, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, ये फोर्थ में निकल गया ऑलरेडी। तो ये होता है, इसे ट्रेंड का अपने को पता चल जाता है, ये डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड कैसे देखते हैं, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करते ही पता चल जाएगा। अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये अभी अप ट्रेंड था तो यहाँ पे इसने डाउन ले लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके अभी एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। और स्टॉप लॉस देखिए कितना था, छोटा सा एक बैंक निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट का आपको 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, और टारगेट 300-400 रुपये का आप टारगेट मिल जाता है इसमें, इंट्राडे में, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, बड़ा नहीं है, डेली का चार्ट नहीं है, 15 मिनट का चार्ट लगा के मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पता चल जाएगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। अभी और दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी में भी दिखाता हूँ, ये अच्छे से फॉलो करता है दोस्तों, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, सब जगह जो ट्रेंड लाइन को यूज करना चालू कर दिया है ना, बस उसकी बल्ले बल्ले है। अभी देखिए यहाँ पे भी सेम वही ये पैटर्न बन रहा है जो बैंक निफ्टी में बना था ना, वही सेम बन रहा। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, ये नीचे नहीं है थोड़ा ऊपर रह गया, यहाँ पे फोर्थ में ब्रेक डाउन दे दिया ऑलरेडी, दिया ना। तो ऐसा होता है ट्रेंड लाइन को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो आप जब चार्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन का क्या बेनिफिट है और कितना प्रॉफिट करा सकते हैं डेली अपन। अभी इसको ये अप ट्रेंड था, अभी डाउन ट्रेंड में देखिए, इधर देखिए, यहां से लेता हूं मैं, मिनिमम 2 से 3 पॉइंट मिलना तभी मजा आता है। यहाँ पे देखिए इसको भी फॉलो किया ना अच्छे से, ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ में निकल गया ऊपर, बहुत अच्छे से फॉलो करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी को। आप जब भी करोगे ना तो बहुत अच्छे से कमाओगे। अभी मैं रिलायंस को आपको ओपन करके दिखाता था, इंटेटा क्या है, सभी 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ये देखिए इसमें भी रिलायंस में भी बना है। देखिए यहाँ से एक, ये दो, तीन, चार, ये देखिए चौथी बार में तो ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो मोस्टली तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में तो आपको ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करके ही देगा, और पैसे अच्छे से कमा के देगा। तब तक आप इंट्राडे में यहाँ पे बाय करके निकल सकते हो, फिर यहाँ पे बाय करके यहाँ पे निकल सकते हो, इधर भी ऊपर भी ट्रेंड लाइन बन रहा है अच्छे से, आपको रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा करके उसका भी पता लग जाता है, ये बेनिफिट होता है इसका दोस्तों। अभी इधर भी ये रिलायंस का चार्ट है, तो अभी ये देखिए ये मैंने कल ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ हुआ नहीं, इधर भी रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। अभी जब भी इधर आएगा ना तो आप रिलायंस में एंट्री मार सकते हो, और अब की बार ये पक्का 100% इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर आया तो यहाँ से नीचे गया तो फिर नीचे का ही है, ये डेली का चार्ट है दोस्तों, ये रिलायंस के चार्ट है ना, ये देखो कल करके रखा था मैंने दोस्तों। इधर देखिए मैं आपको रिलायंस को अच्छे से दिखाता हूँ, ये भी ब्रेक डाउन कर दिया ऑलरेडी, एक दो तीन ये चार ये पांचवी बार ब्रेक डाउन करके फिर वापस ऊपर चला गया। ये स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, छोटे छोटे ट्रेड में इंट्राडे के लिए तो आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करके 5-10% आराम से डेली कमा सकते हो, दूसरे को किसी पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको।
चलिए दोस्तों, वीडियो का यही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट भी करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए।